हे फ्रेंड्स, आदित्य हियर। आज का हमारा टॉपिक है ऑल टाइम फेवरेट कैजुअल आउटफिट कॉम्बिनेशन, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ यूनिक एंड अमेजिंग शर्ट एंड जीन्स कॉम्बिनेशन के बारे में, जो हर लड़कों के पास होना ही चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन बताने से पहले मैं आपको बेसिक रूल्स के बारे में बताऊंगा, जो आपके ड्रेसिंग सेंस को बढ़ाने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। जब शर्ट और जींस को कंबाइन करते हैं तो कुछ सिंपल रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करने हैं। अगर आपने बॉटम वियर को ब्राइट कलर का पहनना है तो आप अपने टॉप वियर को न्यूट्रल कलर का ही पहने। फ्रेंड्स, आपको स्किनी जींस नहीं पहनने हैं। स्किनी जींस आपके लुक को बिगाड़ता तो है ही और आपको अनकंफर्टेबल फील भी कराते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि आप स्लिम फिट जींस ही पहने। फ्रेंड्स, अगर आप अच्छा और स्मार्ट दिखना चाहते हैं तो डबल डेनिम काफ़ी पॉपुलर और इजी ऑप्शन है। इसे पहनने से आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मेरा बताया हुआ बेसिक रूल आपको समझ में आ गया होगा, तो अब बात करते हैं शर्ट एंड जींस कॉम्बिनेशन के बारे में। फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है व्हाइट शर्ट एंड जींस। अगर फैशन की बात करें तो ब्लू जींस और व्हाइट शर्ट कॉम्बिनेशन आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आज क्या पहना जाए तो आप एक व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस पहनिए, ये आप पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, सेकेंड कॉम्बिनेशन है चेक शर्ट एंड जींस। यही अगर चेक शर्ट की बात करें तो कैजुअल आउटफिट के साथ सिंपली कनेक्ट हो जाता है। जब कभी भी आप सही कलर और सही पैटर्न चूज करते हैं तो चेक शर्ट आपको फॉर्मल आउटफिट में आपको एक डिफरेंट डायमेंशन का लुक देता है। अगर आप अपने लुक को थोड़ा कम कैजुअल रखना चाहते हैं तो एक डार्कर कलर का चेक शर्ट चूज करें, जैसे नेवी ब्लू। ये आपके आउटफिट को कम स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा सिंपल लुक देगा। एंड थर्ड कॉम्बिनेशन है डेनिम शर्ट एंड ब्लैक जीन्स। अगर आप डबल डेनिम लुक में कंफर्टेबल नहीं है तो आप डेनिम शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहनिए। आप एक ही समय में स्टाइल और कम्फर्ट दोनों चाहते हैं तो आप ब्लैक जीन्स पहनिए। आपको फॉर्मल दिखने में काफ़ी हेल्प करेगा और आप काफ़ी सेक्सी भी दिखोगे। आप ग्रे भी पहन सकते हैं या हो सके तो आप ब्लू टोन की डेनिम जींस भी पहनिए, ये आपके लुक को कम्प्लीमेंट देता है। फ्रेंड्स, यही मैं अगर फोर्थ कॉम्बिनेशन व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक जींस के बारे में बात करूँ तो व्हाइट शर्ट और ब्लैक जींस के साथ सेम रूल अप्लाई होंगे जैसे हमने आपको फर्स्ट कॉम्बिनेशन में बताया है। कभी कभी सबसे ईजी और सिंपल ही सबसे बेहतर होता है। यह हमेशा हमारे सामने होते हुए भी हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। आपका फेवरेट ब्लैक जींस और स्लिम फिट व्हाइट शर्ट इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, फिफ्थ कॉम्बिनेशन है कैजुअल डबल डेनिम। नाउ इट्स टाइम टू लुक क्लोज एट कैजुअल डबल डेनिम। ये सबकी बस की बात नहीं है, पर अगर आप करेक्टली मैचअप करते हैं तो आप अलग प्रकार की इंटरेस्ट और डिफरेंट लुक क्रिएट करते हैं। अगर शर्ट की बात करें तो आप जैसा चाहे वैसा डेनिम यूज कर सकते हैं, पर अगर आपको ज़्यादा कैजुअल यूनिफॉर्म लुक चाहिए तो आप अपने डेनिम शर्ट को जीन्स के मुकाबले लाइटर कलर में रखें। अगर ओवरऑल आउटफिट की बात करें तो लाइट टॉप डेनिम शर्ट और डार्कर बॉटम जींस आपके लुक को ज़्यादा बैलेंस करता है। फ्रेंड्स, सिक्स कॉम्बिनेशन है शर्ट एंड स्लिम फिट जींस। अगर आप स्मार्ट दिखना चाहते हैं तो स्किनी जींस को पूरी तरह अवॉइड कर दें। स्किनी जींस आपके लुक को बिगाड़ता तो है ही पर आपको अनकंफर्टेबल फील भी कराता है। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि आप सिर्फ स्लिम फिट ही पहने, जो कम्फर्ट और फैशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। साथ ही साथ यह आपको कस्टम कैजुअल लुक भी देता है। फ्रेंड्स, सेवन नंबर पे हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइट ब्लू जींस के साथ आप क्या पहने। जब बात आती है लाइट ब्लू जींस की तब पूरी तरह से आपके अपर वियर पर डिपेंड करता है। अगर आपको एक ऐसा जींस चाहिए जो सभी शर्ट और ब्लेजर के साथ मैच हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्ट्रेट एंड रिलैक्स फिट जींस ही पहने। लाइट ब्लू जींस के साथ ब्लेजर आप पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। साथ ही चंकी बूट्स को आप अपने आउटफिट में ऐड करते हैं तो आप अपने आप को मॉडर्न लुक में पाते हैं। यह ओरिजिनल क्लासिक है जो आपको परफेक्ट बनाती है डेट के लिए। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।